हबू का किचन में आज हम बनाएंगे श्रेडेड चिकन फ्राई। ये बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग रेसिपी है, तो इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें। और हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्रेडेड चिकन फ्राई बनाने के लिए एक कुकर में 1.5 कप पानी, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1/2 छोटा चम्मच नमक और 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1/2 किलो चिकन ऐड करेंगे। बोनलेस चिकन और विथ बोन लिया है। अब इसे ढककर 3 से 4 सीटी आने तक चिकन को बॉईल करेंगे। चिकन बॉईल हो रहा है तब तक के हम एक मसाला रेडी करते हैं। एक फ्राई पैन में 2 छोटे चम्मच साबुत धनिया, 1 छोटा चम्मच जीरा, 3 से 4 लविंग, 8 से 10 मरीदाना, 2 से 3 हरी इलायची और 1 टुकड़ा तजका ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे मिक्सी जार में निकालकर इसको बारीक पीस लेंगे। चिकन बॉईल हो गया है, अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे श्रेड कर लेंगे। अब ये जो चिकन स्टॉक बचा है उसका इस्तेमाल हम ग्रेवी के लिए करेंगे। श्रेडेड चिकन फ्राई बनाने के लिए एक कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल, ऑयल गर्म हो जाने के बाद 1/2 छोटा चम्मच वरियाली, 2 सूखी लाल मिर्च और 8 से 10 कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद 2 मीडियम साइज की स्लाइस में कटी प्याज ऐड करेंगे और 1 हरी मिर्च ऐड करेंगे। प्याज को मीडियम फ्लेम पर लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट पिंक हो गई है, अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और हमने जो मसाला रेडी किया था वो सारा ऐड कर देंगे। मसाला ऐड करने के बाद इसे 2 मिनट के लिए भुनेंगे। मसाले को प्याज के साथ 2 मिनट भून लेने के बाद 2 मीडियम साइज के टमाटर ऐड करेंगे, 1/2 छोटा चम्मच नमक, नमक आप ध्यान से ऐड करें, चिकन बॉईल करते समय हमने नमक ऐड किया था, 1/2 छोटा चम्मच मरी पाउडर, 1 चुटकी हल्दी और 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो जाने तक इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 5 मिनट के लिए भुनेंगे। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं, अब हम इसमें श्रेड किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन के साथ मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए भुनेंगे। दो मिनट भून लेने के बाद चिकन स्टॉक ऐड करेंगे। चिकन स्टॉक ऐड करने के बाद इसे ड्राई होने तक भुनेंगे। चिकन को मीडियम फ्लेम पर भून लेने के बाद ये ड्राई हो गया है, अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे।
श्रेडेड चिकन मसाला फ्राई रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको श्रेडेड चिकन मसाला फ्राई की रेसिपी अच्छी लगे तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।